Hello, students, and welcome back to bankexamstudy.com. My name is Ramandeep Singh, and today we are going to do the exam analysis for IBPS SO Marketing Mains exam. We are going to do the exam analysis along with the cutoff analysis, right? So let's start the session. Uh, let's move forward. My name is Ramandeep Singh, and I've been teaching on bank exams today from last 12 13 years. This is my WhatsApp number, I give it all the times, right? So these were the questions asked in the IBPS SO Marketing exam. questions were there from break even पॉइंट आई हैव डन दिस आई हैव कवर्ड दिस मल्टीपल टाइम्स ऑन my यूट्यूब चैनल हर साल करवाता हूँ मैं ब्रेक ए पॉइंट इट्स देयर देवर थ्री फोर नोमरिकल क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम ब्रेक एवन पॉइंट एम्बुश मार्केटिंग टाइप्स ऑफ मार्केटिंग में से एम्बुश मार्केटिंग एम्बरेला मार्केटिंग इट वॉज देयर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में से क्वेश्चन से मैथ स्लो में से क्वेश्चन से डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन टाइप्स ऑफ डिमांड में से क्वेश्चन है वैल्यू प्रोपोज़िशन में से क्वेश्चन है सिंपल्स वॉट एनालिसिस बी सी जी मैट्रिक्स में से क्वेश्चन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में से सिंपल क्वेश्चन से सिंपल मोटिवेशनल मोटिवेशन थ्योरीज लेट एंड डिमांड लर्निंग थ्योरीज में से क्वेश्चन है सरोगिट एडवरट एडवर्टाइजमेंट जो वो जो वो पान मसाला टाइप्स की करते हैं अजय देवगन एंड ऑल दैट इज सरोट एडवरटाइजिंग सो कुछ एक के स्टडी काइंड ऑफ क्वेश्चन से डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सर्विस और अ मार्केटिंग ब्रेंडिंग वॉज गिवन एनी फोकस इन द पेपर सेटिंग सो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिंपल मैनेजमेंट के क्वेश्चन भी एक दो आ गए थे वेदर यू टेक इट लाइक मोटिवेशन भी उसी साइड से आता है राइट सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डायरेक्टली उसमें मार्केटिंग में तो नहीं ज्यादातर लोग पढ़ते उसमें नहीं आता है, लेकिन स्टिल आई टॉट डिमांड इन सर्विस तो ये बेसिक मोटे मोटे क्वेश्चन तो यही आए थे जितने के मुझे अभी तक मिले हैं जितने के मुझे अभी तक ने बताए हैं राइट सो कट ऑफ कितना जाना चाहिए फॉर द जनरल कैटेगरी फॉर द ओबीसी फॉर द्ल्यू एस सी स्टूडेंट्स एज पर माई इंफॉर्मेशन एज पर माई इन्फॉर्मेशन द नंबर ऑफ वेकेंसी हैज़ बिन इंक्रीज नंबर ऑफ़ वेकेंसीज बढ़ चुकी हैं राइट बाई फोर फोर फिफ्टी कुछ एक स्टूडेंट्स ने आर टी आई डाला था तो नंबर ऑफ वेकेंसीज तो बढ़ चुकी हैं वट वुड हैपन उसकी वजह से होने क्या वाला है नंबर ऑफ़ वेकेंसीज़ बढ़ चुकी हैं तो कट ऑफ वुड कम डाउन थोड़ी सी नीचे आ जाएगी कितनी नीचे आएगी सो अकॉर्डिंग टू मी जो कट ऑफ़ है दैट शुड बी इन द रेंज ऑफ 29 नाइन टू थर्टी वन देखिए दो कट ऑफ आती हैं एक तो एग्ज़ाम की कट ऑफ़ आती है आई डोंट नो वाई एक एग्जाम की कट ऑफ़ दे देते हैं जो होगी कोई 25, 26 की कट ऑफ़ होगी कि आपका एग्ज़ाम निकल चुका है बट एक सेकेंड कट ऑफ आएगी कि uh, कौन से स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं तो एग्ज़ाम की कट ऑफ ई डोंट नो क्यों देते हैं दो अलग अलग कट ऑफ्स की आप यू यू हैव क्लियर द एग्जाम और दूसरी में कि किसको कॉल करेंगे एंड इवन आफ्टर गेटिंग द कॉल एटी परसेंट वेटेज एटी परसेंट जो वेटेज है दैट इज फॉर द एग्जाम और ट्वेंटी परसेंट इज फॉर इंटरव्यूज राइट इवन इफ यू आर गेटिंग द इंटरव्यू कॉल डजेंट मीन दैट यू गट टू गेट द जॉब फाइनली So, for getting the job finally, if you are scoring in the unreserved category, if you are scoring like 33 to uh, anything 30, uh, anything above 33, 32, 33, you can comfortably get the final selection comfortably. Even if you are scoring anything uh, above 30 with an average interview, you'll get the job. If you are scoring between like 28, 29, uh, 30. तो यू मे स्ट्रगल अब बिट ओके सो दिस इज़ द सिनारी दिस इज दिनारी स्कोर इज थर्टी थ्री प्लस इट्स वेरी कम्फर्टेबल थिंग्स आर वेरी गुड फॉर यू इफ थर्टी इफ योर स्कोर इज लाइक थर्टी प्लस थर्टी टू थर्टी वन राइट अगर ये स्कोर है थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है इफ़ योर स्कोर इज लाइक ट्वेंटी एट ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी नाइन बहुत सारा स्ट्रगल है अच्छे इंटरव्यू दो आप राइट फॉर एस सी एस टी कैटेगरी जो सेम कट ऑफ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ट्वेंटी नाइन टू थर्टी वाला सिचुएशन है वहाँ पे है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स इफ़ यू आर स्कोर इज ट्वेंटी सिक्स इट्स गुड इन एस सी कैटेगरी फॉर एस टी कैटगरी इट्स ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू इट्स इट्स गुड फॉर ओ बी सी इट्स अगेन ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट इट्स गुड ई डब्ल्यू एस ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट इट्स गुड एच आई कैटेगरी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री वी आई कैटेगरी का कट ऑफ हमेशा आई वुड से एस के आसपास ही रहता है बिकॉज टीचर्स जाते हैं स्क्राइब्स के साथ तो जो वी आई का कट ऑफ बढ़ा देते हैं यस yes, रेट्स हैं इसके टीचर्स पैसे लेते हैं बहुत सारे एज uh, स्क्राइब बनने के टीचर्स जाते हैं और जो स्टूडेंट्स पहले पास हो चुके हैं वो अपने कुछ रिलेटिव्स को लेके जाते हैं इसलिए इस कैटेगरी का कोई फ़ायदा रह नहीं गया बहुत सारे लोग मिस यूज़ कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम को सो दैट्स दैट्स वाई द कट ऑफ इज़ दैट हाई नहीं तो विजुअली इम्पेयर्ड जो कैंडिडेट है उसका कट ऑफ पंद्रह सोलह से ऊपर नहीं जाना चाहिए आइडियली देखा जा रहा maximum, but वो है अठारह उन्नीस मैक्मम बट वो चौबीस पच्चीस जा रहा है राइट एट पार विद एस सी एस टी कैटेगरी कैंडिडेट एस टी का कट ऑफ विजुअली इम्पेयर से भी कम होता है सो so मेरे हिसाब से तो फैसिलिटी होनी ही नहीं चाहिए राइट right? होनी ही नहीं चाहिए तो क्योंकि इसका एडवांटेज लिया जा रहा है मेरे हिसाब से राइट दैट्स दैट्स व्हाट आई थिंक राइट सो दिस इज द सिनेरियो सी कैटेगरी लाइक 22 23 ओके सो दिस इज द सिनेरियो राइट सो इफ यू आर स्कोरिंग इवन इफ यू आर स्कोरिंग 33 34 जो कि कम ही स्टूडेंट्स स्कोर करते हैं 34 35 से ऊपर कुछ एक स्टिल यू हैव टू प्रिपेयर यू यू नीड टू गिव योर बेस्ट ज़्यादा देखिए आपको इंटरव्यू का कॉल आ गया राइट इंटरव्यू कैन मेक अ मेजर यू नो डेंट ऑन द फाइनल सिलेक्शन फाइनल सेलेक्शन में इंटरव्यूज़ का बहुत बहुत मायने रखते हैं आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिसका इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है उनको पंद्रह सोलह मार्क्स मिलते हैं दैट्स अ जनरल ये नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ सोलह सत्रह मार्क्स मिलते हैं जिसका इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है पंद्रह सोलह एंड जिनका ठीक उतना अच्छा नहीं होता उनको मिलते हैं ग्यारह बारह and jinka bura 9 10 that's a common uh marks and that's what i have seen in the past that's the kind of marks that you are going to get in your interviews right and that's a situation right and that's my analysis according to me this should be the cutoff right if you don't uh, believe me if there is any contradiction in your mind you can let me know this is as per my experience according to the number of vacancies there hesapse, this is a cutoff cutoff can go below that इससे कम जा सकती है इससे ज़्यादा नहीं जा सकती आर और लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर बैच जब जब आप एग्जाम देने गए होगे किसी ने पचपन अटैम्प्ट किया है किसी ने साठ अटैम्प्ट किया है कट ऑफ इतनी ही जाएगी नो मैटर वॉट राइट उसको अवॉइड कीजिए कट ऑफ इतनी ही जाएगी यू नीड टू फोकस ऑन योर इंटरव्यू प्रिपरेशन कट ऑफ ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सिक्स भी जा सकती है ट्वेंटी फाइव भी जा सकती है सो so हर साल इतनी जाती है हर साल लोग साठ साठ अटैम्प्ट करते हैं साठ में से और कट ऑफ फिर हर साल सत्ताईस अट्ठाईस जाती है सो अवॉइड दैट इस पर फोकस करो And that's all for today, students. I hope you like the session today. Thank you and have a very nice day. Bye-bye.